Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Emerging Domain in Electronics Engineering. The subject code is KEC201T and here we are in lecture number 14 of unit number 4. So in the previous lecture basically hum logo ne over kiya hai simplification of boolean function by the k-map aur yahan abhi tak humne consider kiya hai 4 variable k-map. राइट हमने 2 वेरिएबल देखा है 3 वेरिएबल देखा है 4 वेरिएबल देखा है और अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं तो 4 वेरिएबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन क्योंकि अगर हमें ये नहीं समझ में आया तो हम के मैप को समझ ही नहीं पाते. राइट क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं बिकॉज अभी जो आपको इसके आगे बढ़ना है वी हैव टू डू 5 वेरिएबल वी हैव टू डू 6 वेरिएबल तो उन दोनों वेरिएबल के मैप में आप देखोगे कि 4 वेरिएबल इज द बेसिक वन. अगर ये मुझे नहीं आता तो मैं 5 और 6 को उतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगा. सो मैं यहां पे रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको 4 वेरिएबल के मैप याद है तभी आप वीडियो 5 वेरिएबल 6 वेरिएबल को करें. अदरवाइज फर्स्टली अगेन रिवाइज योर 4 वेरिएबल के मैप एंड देन कम टू द 5 वेरिएबल के मैप. राइट नाउ इन दिस लेक्चर हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन की ही बात करने वाले हैं यूजिंग के मैप बट हम यहां पे डिस्कस करेंगे 5 वेरिएबल के मैप. जी हां किस तरह से अगर क्वेश्चन 5 वेरिएबल में गिवन है तो मुझे के मैप से कैसे सिंप्लीफाई करना है. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर ऑन 5 वेरिएबल के मैप. सो 5 वेरिएबल के मैप और जैसा कि मैंने अभी तक सबसे पहले बताया है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इज रिप्रेजेंटेशन. जी हां स्टेप वही है बट रिप्रेजेंटेशन में चेंज हो गया अगर आप देखें. सो नाउ वी हैव 5 वेरिएबल और मैंने यहां पे लेट किया सपोज यू हैव ए बी सी डी एंड ई वी हैव 5 दीज वेरिएबल. राइट अब अगर आप यहां पे देखोगे तो बी सी डी ई अगर मैं कंसीडर करूं वी हैव ओनली बी सी डी ई सो दिस बिकम 4 वेरिएबल के मैप. और 4 वेरिएबल के मैप कैसे बनता है आई नो कि BC को एक साइड रखा D को एक साइड रखा 4 कॉम्बिनेशन 0001111100 0001111100 एंड दीज आर द नंबर 0 टू 15. राइट बट अब अगर मैं कहूं कि आपको फिफ्थ वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना है तो इसका क्या डिफरेंस आना है तो अगर मैं बात करूं सिंपल एक नंबर में यहां पे फॉर्म करता हूं लेट अस सपोज 0000 ये है आपकी वेटेज BCDE की. राइट अब अगर मैं यहां पे एक वेरिएबल ले आऊं और यहां पे उसकी वैल्यू 0 काउंट करूं तब भी नंबर की वेटेज क्या बनी 0 ही बनी बिकॉज नंबर वेटेज कैसे रखती है 1 2 4 8 और 8 के बाद क्या आएगा 16 आएगी वेटेज. बट वहीं पे अगर इस ए की वैल्यू को मैं 1 लिख दूं वहीं पर बी सी डी की वैल्यू सेम है आपकी 0000 सो दैट मींस ये नंबर क्या फॉर्म करेगा ये नंबर फॉर्म करेगा 16. तो सिमिलर थिंग है इसलिए यहां पे एक बेसिकली 2 के मैप रिप्रेजेंट किए जाते हैं. अगर मुझे 5 वेरिएबल के मैप को बनाना है तो एक वेरिएबल हमने ए को अलग सॉल्व कर लिया दिस इज फॉर ए बार एंड दिस के मैप फॉर ए. राइट अब अगर ए बार है यानी कि वैल्यू 0 है ए वेरिएबल की वैल्यू क्या 0 तो इसके बाद जो बी सी डी के कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कहां से कहां तक बनेंगे 0 से लेके 15 तक बनेंगे. बट व्हेन दिस ए यानी ए की वैल्यू क्या होगी दिस ए रिप्रेजेंट व्हाट दिस ए रिप्रेजेंट 1 तो व्हेन दिस ए इज 1 तो उस केस में बी सी डी ई को जब मैं क्लब करूंगा 0000 तो नाउ दिस रिप्रेजेंट 16 दिस रिप्रेजेंट 17 18 19 20, 21, 22, 23 इन द सिमिलर मैनर जैसे हमने यहां पे पढ़ा था 0, 1, 3, 2 सो दिस इज 16, 17, 19 एंड 18 20, 21, 23, 22 नाउ दिस इज 23 तो 24, 25, 27, 26 देन 28, 29, 30 एंड 31 एंड ऑलरेडी हमें पता है कि अगर मैं 5 वेरिएबल के मैप की बात करूं तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 कॉम्बिनेशंस यानी कि यहां पे 32 ब्लॉक्स बनेंगे तो 16 ब्लॉक इज दिस 16 ब्लॉक इज दिस दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 4 वेरिएबल के मैप और आप कह सकते हो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 वेरिएबल के मैप. राइट सो सबसे पहली चीज जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं अभी तक के मैप की सॉल्विंग में दिस इज व्हाट 5 वेरिएबल के मैप या कोई भी वेरिएबल के मैप तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर 5 वेरिएबल के मैप. नाउ अब अगर मैं इसे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूं सो दैट हमारे अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बनी रहे सो आई हैव टेकन अ क्वेश्चन ओवर हियर. नाउ दिस टाइम फंक्शन इज गिवन एज समेशन यानी कि मिन टर्म्स अवेलेबल है कौन सी मिन टर्म है 1 3 4 5 11 12 14 16 नाउ यू कैन सी 16 20 21 30 सो लास्ट मिन टर्म क्या है 30. अब 30 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करो यानी कि आपको वेटेज चाहिएगी 16 8 4 2 1 क्योंकि यहां से तो केवल 15 बनता था ना मैक्सिमम. अब अगर मुझे 30 को बनाना है तो 30 का मतलब आई रिक्वायर्ड 16 आई रिक्वायर्ड 8 दैट बिकम 16 प्लस 8 24 आई रिक्वायर्ड 4 28 आई रिक्वायर्ड 2 30 तो दिस इज द बाइनरी कॉम्बिनेशन ऑफ 30 दैट मींस आई रिक्वायर्ड एटलीस्ट 5 वेरिएबल्स आई रिक्वायर्ड एटलीस्ट 5 बिट्स. राइट तो दैट मींस दिस इज अ फंक्शन ऑफ 5 वेरिएबल के मैप. अब यहां मेंशन नहीं है वेरिएबल सो मैं अपनी वही सेम जो हमने यहां रिप्रेजेंटेशन देखी है कि ए बी सी डी ई यही 5 वेरिएबल कंसीडर कर लूंगा एंड जस्ट ड्रॉ माय रिप्रेजेंटेशन.
Now, after representation, the second step was, that is placing. जी हाँ, placing same to same है, कोई change नहीं है. जो min terms हमें question में given होती हैं, उन min terms को हमें यहाँ पे one से fill करना होता है. मेरा बहुत simple सा funda है, मैं कभी भी यहाँ पे block numbering rare case में represent करता हूँ. मैं generally याद रखता हूँ कि this is block 0, this is block 1. If I required this one, मैं यहाँ पे 1 को place कर देता हूँ. Then I come to this 2 number, 2 number is not required, तो मैंने block को leave कर दिया. Then 3 number is required, okay, 1 is there. 4 is required, yes. 5 is required, yes. 6 not required, 7 not required, then 8 not required, 9 not required, 10 not required, 11 required, yes. 12 required, yes. 13 not, 14 required, yes. 15 not. तो जो required नहीं है, मैं उन्हें blank छोड़ देता हूँ. जो मुझे minimum given है question में, वहाँ पे मैं उन्हें 1 से fill कर देता हूँ. Same in this KMAP, 16 is given, right? 17 नहीं चाहिए, 18 नहीं चाहिए, 19 नहीं चाहिए, 20 नहीं चाहिए, 20 चाहिए, 20 is where, 20 is here, 20 is here, 21 is here, 22, 23 नहीं चाहिए, 24 नहीं चाहिए, 25 नहीं चाहिए, 26 नहीं चाहिए, 27 नहीं चाहिए, 28 नहीं, 29 नहीं, 30 हमें चाहिए, तो 30 पे 1 आ गया, 31 पे कुछ नहीं. तो दिस इज कॉल्ड द प्लेसिंग स्टेप. आपको जो तरीका याद रखना है आप उस तरीके को याद रखो. ये मेरा मेथड है कि मैं जनरली हर एक ब्लॉक नंबर को चेक कर लेता हूं कि इस ब्लॉक को गिवन है या नहीं है. गिवन है तो लेट इट बी फिल बाय 1, गिवन नहीं है लेट इट फिल बाय 0. एल्स यू कैन डायरेक्टली राइट द ब्लॉक नंबर्स. आप ब्लॉक नंबर्स लिख लीजिए, फिर आप डायरेक्टली देख लीजिए किस ब्लॉक नंबर में मिन टर्म गिवन है, उसी ब्लॉक नंबर में मिन टर्म फिल कर दीजिए. लाइक 1 गिवन है, 3 गिवन है, 4 गिवन है, इस तरह से आप मिन टर्म्स को फिल कर लीजिए, राइट. Now the next important step that is always important in KMAP, this is called grouping. जी हाँ, grouping कैसे की जाएगी. तो अब अगर मैं grouping पे आऊं, तो grouping पे यहाँ पे थोड़ा सा change आता है 5 variable KMAP में. सबसे पहले मैं यहाँ पे एक special step करने वाला हूँ जो इस 5 variable KMAP में required है. That is कि मैं इस second KMAP, अब मैं second, इसको मैं second KMAP बोल रहा हूँ, इसको मैं first KMAP बोल रहा हूँ, तो इस second KMAP को first KMAP के ऊपर overlap करा देंगे, right? आप overlapping किसी को किसी के ऊपर भी करा सकते हो, but I am saying कि इस सेकेंड के मैप को फर्स्ट के मैप के ऊपर ओवरलैप कराएंगे. ओवरलैप करा रहा हूं ये मत सोचिएगा आई एम फोल्डिंग इट ऑन दिस, राइट, कि यहां पे एक लाइन है, राइट, और मैं इसको फोल्ड कर रहा हूं उसके ऊपर. जी नहीं, मैं फोल्ड नहीं कर रहा हूं, जस्ट कट इट दिस. और इस के मैप, पूरे के मैप को हम इस के मैप के ऊपर प्लेस कर रहे हैं, राइट. तो यहां पे फोल्डिंग स्टेप नहीं है, यहां पे कटिंग स्टेप है. ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि यहां पे कटिंग हो रही है या फोल्डिंग हो रही है. तो यहां पे कटिंग हो रही है. कटिंग का मतलब है कि अगर मैं जीरो ब्लॉक की बात करूं और यहां पे ब्लॉक 16 होता है, तो दिस 16 इज ओवर ऑन दिस जीरो ब्लॉक, राइट. तो अब यहां पे इमेजिनेशन भी कह सकते हैं आप लगाना है. क्यों? क्योंकि आपको इस ब्लॉक को, इस सेकंड ब्लॉक को इस फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर हमने ओवरलैप करा दिया, तो मुझे देखना है कौन से वंस जो हैं या कौन सी मिनटर्म जो है वो आपस में अप एंड डाउन ग्रुपिंग हो सकती है. लाइक यहां पे आप इसे ऐसे कंसिडर कीजिए, ये एक के मैप है, ये दूसरा के मैप है इसके जस्ट टॉप पे, तो जो सेम मिनटर्म्स हैं वो आपस में ग्रुपिंग हो सकती है लाइक दिस. जो सेम मिनटर्म है वो अप एंड डाउन ग्रुपिंग होती है, राइट. तो पहली पेयरिंग हमें ये ढूंढनी है. तो अगर मैं यहां पे देखूं, जैसे ही मैंने ओवरलैप किया, सो बेसिकली दीज टू टर्म्स, राइट, ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म एक दूसरे के जस्ट ऊपर नीचे आएंगे, यानी कि इनके बीच में एक पेयर फॉर्म हो जाएगा. तो पहले हम ओवरलैपिंग वाले पेयर ढूंढते हैं. तो उस तरह से आपको यहां पर मार्किंग करनी है, दिस इज द ओवरलैपिंग पेयर. सो मैंने इसे ओवल से मार्क किया है, राइट. इसके अलावा क्या कोई ऐसी वंस टर्म है जो आपस में पेयरिंग कर रही हूं? अगर मैं देखूं तो जी हाँ, यहां पे ये टर्म है और ये टर्म है, ये भी आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे बैठेंगे, राइट, जब हम ओवरलैप करेंगे. तो यानी यहां पे भी इनका पेयर बन सकता है. इसके अलावा एक और टर्म है मेरे पास, ये टर्म है इस केम ऐप के अंदर, जब ये यहां पे पहुंचेगी तो इस ब्लॉक में कोई मिन टर्म नहीं है, यानी इस वन का पेयर मैं यहां पे नहीं बना सकता. दैट मीन्स अब इसके अलावा मेरे पास और कोई ऐसी मिन टर्म नहीं है जिनका ओवरलैपिंग के थ्रू पेयर बनता है, राइट. तो सबसे पहली पेयरिंग जो 5 वेरिएबल के मैप में होती है, दोनों के मैप को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, मतलब एक के नीचे एक के ऊपर एक रख दीजिए, और देन उसके बाद हम इन पे अप एंड डाउन पेयरिंग देख रहे हैं कि कहां पे सेम नंबर ऑफ वंस अवेलेबल हो गए हैं, तो जिनकी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं. अब नाउ आफ्टर दिस ग्रुपिंग, ये तो हमने कर लिया, इसके बाद अब आपको इस 4 वेरिएबल इंडिविजुअल के मैप को ट्रीट करना है, इसको 4 वेरिएबल इंडिविजुअल के मैप ट्रीट करना है. जो मिनटर्म्स बची हैं उनके पेयरिंग 4 वेरिएबल के मैप में जैसे हम करते हैं उसी तरह से देखना है. इसने मैं यहां पे बोल रहा था दिस रिक्वायर्ड अ 4 वेरिएबल बेसिक के मैप, कि उसकी नॉलेज, उसमें हमें एक्सपर्टाइज होना चाहिए, तभी हम यहां पे बहुत इजीली 5 वेरिएबल के मैप को कैलकुलेट कर पाते हैं. तो
अब अगर मैं यहाँ पे आपका पेयरिंग स्टार्ट करूं तो व्हाट इज द पेयरिंग इन दिस फोर वेरिएबल के मैप, यहाँ पे हमारे पास ये दो वंस बच रहे हैं तो इनका मैं एक पेयर फॉर्म कर सकता हूँ, आई कैन फॉर्म अ पेयर। यहाँ पे ये वन सिंगल है, ये किसके साथ एड ऑन हो सकता है, जी हाँ ये ऊपर वाले वन के साथ एड ऑन हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एक पेयर बन गया एंड दिस इज द सिंगल वन रिमेन्स, ये वन आपका इस वन के साथ पेयर हो सकता है, तो दिस इज अगेन अ पेयर, राइट। तो वी हैव कवर्ड ऑल द मिन टर्म्स। Now similarly in the second K map हमारे पास एक term remaining है, इसका हम इस one के साथ pair form कर सकते हैं, तो this will also cover। तो पहले overlapping pair, उसके बाद individual K map में four variable में क्या pair बन रहे हैं, उन pair को मैंने यहाँ पे represent किया है। अब expression कैसे लिखना है वो आप already जानते हो कि अगर मैं expression की बात करूं तो जब आप दोनों ओवरलैपिंग पेयर में आओगे, राइट, जब हम दोनों ओवरलैपिंग पेयर में आएंगे, लाइक सबसे पहले मैं इस रेड वाले पेयर की बात करता हूं, ये जो हमने ओवरलैपिंग पेयर लिखा था, तो इस ओवरलैपिंग का मतलब है कि ये ए और ये ए बार ये कैंसिल आउट हो गया बिकॉज कॉमन नहीं रहा, जब हम ओवरलैपिंग करते हैं, राइट। अब उसके बाद आप किसी एक के मैप में यहां पर रिप्रेजेंट कर लीजिए, लाइक दिस इज योर बी बार सी बार, दिस इज योर बी बार सी, दिस इज योर बी सी एंड दिस इज योर बी सी बार, सिमिलरली दिस इज योर डी बार ई बार, दिस इज योर डी बार ई, This is your DE and this is our DE bar, right? So अब अगर मुझे इस oval का pair देखना था तो A और A bar तो cancel out हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक common row है, that is B bar C, तो B bar C आएगा, और दो column है मेरे पास जिनमें common value कौन है, that is D bar, तो this become B bar C and D bar, this is the value of this overlapping pair. Similarly, another overlapping pair था ये वन वाला, तो अगर हम इस overlapping pair को देखें तो फिर से A और A bar आपका cancel out हो गया, इसमें यहाँ पे single row आ रही है, the value is BC, एक single column आ रहा है, the value is DE bar. So this is the way how you will write the overlapping pair. अब individual K map में अगर आऊं तो जब individual K map में आप आएंगे, जैसे सबसे पहले हमने blue pair बनाया था, light blue pair, तो इसका अगर मैं value लिखता individual K map के अंदर तो क्या लिखता, यहां से first row में आपका common है B bar C bar, और column में क्या common है, column में common है E, तो हम यहां पे लिखते B bar C bar E, but अब ये जो individual K map है इसके ऊपर सबसे पहला variable लिखा है A bar, now this is not an overlapping pair, तो यहां पे इस A bar को आपको consider करना पड़ेगा कि this is A bar with This B bar, C bar and E, right? Similarly, आप जितने ही pair लिखेंगे, suppose मैं yellow pair की value लिखता हूं, तो यहां पे भी A bar तो सबसे पहले आई जाएगा, because I am considering this K map. उसके बाद मैं यहां पे row में common देखूंगा, this is C, column में देखूंगा, तो this is D bar and E bar, right? Similarly, अगर मैं इस dark blue pair को देख रहा हूं, ये जो one है, इसके में भी हमने हम यहां पे A bar आएगा ही आएगा, right? उसके बाद हमारी दो row में common कौन है? This is C bar, तो यहां पे C bar आ जाएगा, और column common कौन है? That is D and E, right? इसके बाद हमारी यहां की पूरी expression complete हो गए। उसके बाद हम आए थे second K map में, तो जब इस second K map के expression को लिखेंगे, यानी अगर मैं इस particular pair के expression को लिख रहा हूं, so यानी कि इसमें कौन सा variable है? A. So A आपका पहले आएगा, उसके बाद जैसे हम normal लिखते हैं कि what is the common in row? That is B bar, तो यहां पे B bar आ जाएगा, what is the common in column? That is D bar, E bar, right? So this is the way कि हम five variable K map को किस तरह से solve करते हैं। एक जल्दी से सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाए। सो सेकंड एग्जांपल से इस फंक्शन इज गिवन एज दीज आर द मिन टर्म्स, और अगेन यहां पे 30 है, यानी अगेन आप पहचान कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन 5 वेरिएबल है, तो जल्दी से 5 वेरिएबल की मैप की रिप्रेजेंटेशन, देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू द मिन टर्म्स हमने यहां पे 1 को कर लिया फिल। अब आती है बारी पेयरिंग की, तो पेयरिंग कैसे करेंगे, तो पेयरिंग आपने ओवरलैप कर दीजिए, ओवरलैप करते ही सबसे पहले मुझे दिखाई देगा जी हाँ ये जो दो वंस हैं ये इन दो वंस के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो दिस इज माय फर्स्ट पेयर, और जैसी पेयर दिखे उसे मार्क कर दीजिए सो दैट अब मुझे रिमेनिंग ग्रुप को देखना है, राइट। अब अगर मैं इस वन को देखूं तो क्या ये वन यहां पे ओवरलैप कर रहा है, जी नहीं, इसकी कोई ओवरलैपिंग नहीं है। क्या ये वन ओवरलैप कर रहा है, जी हाँ ये वन ओवरलैप कर रहा है, तो जैसे ही मुझे ओवरलैप मिला आई विल मार्क दिस ओवरलैप पेयर। क्या ये वन यहां पे कुछ है, इस ब्लॉक में कुछ है, जी नहीं इस ब्लॉक में कुछ नहीं, यानी कोई ओवरलैपिंग नहीं है। वहीं पे ये जो लास्ट वाला वन है क्या यहां पे वन है, जी हां है, तो ये भी आपका ओवरलैप कर रहा है, तो दैट मींस दिस इज द थर्ड ओवरलैपिंग पेयर, और ओवरलैपिंग पेयर को मैंने ओवल से शो किया सो दैट मुझे बाद में याद रहे कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। कई बार ऐसे भी शो कर दिया था लाइक दिस, इस तरह से हम एक दिखा देते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ओवरलैपिंग है तो ए तो आपका कैंसिल आउट हो गया, व्हाट इज द कॉमन इन दीज टू रो, दिस इज बी बार, व्हाट इज द कॉमन इन कॉलम, दिस इज डी एंड ई, तो इसका आंसर बनेगा हमारा बी बार डी ई, राइट। अगर वहीं पर मुझे इस ग्रीन पेयर का ओवरलैपिंग पेयर का देखना तो ए आपका कैंसिल आउट हो चुका, उसके बाद मैं आंसर किसका लिखूंगा, व्हाट इज द रो कॉमन, रो इज बी सी, सो इस पेयर की वैल्यू हमारी बनेगी बी सी, और यहां से हमारा कॉलम क्या आएगा, डी बार एंड ई, राइट।
सो दिस इज द वे आप समझ चुके हैं कि एक्सप्रेशन कैसे लिखे जाते हैं. तो फर्स्ट ओवरलैपिंग पेयर हो गया. अब जब ओवरलैपिंग का आंसर लिख लेंगे तब उसके बाद मैंने बताया था इंडिविजुअल पेयर. अब इंडिविजुअल पेयरिंग यहां पे ढूंढिए कि आपका ये वन बचा है ये किसके साथ क्लब होगा. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. अब ये वन किसके साथ क्लब होगा. अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बनी होगी तो आप सही समझ पाएंगे कि जी हाँ ये वन मैं क्लब करूंगा इस वन के साथ. बिकॉज अगर मैं इस वन को इसके साथ क्लब करता हूं तो मैं यूज टर्म का यूज कर रहा हूं. जबकि मैंने आपको क्या बोला था कि पहले हमें बचे हुए वंस की आपस में पेयरिंग ढूंढनी होती है कि अगर उनमें आपस में पेयरिंग हो सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है. नहीं हो पा रही तब मैं अपनी यूज टर्म को यूज करूंगा. राइट राइट. तो यहां पे दिस वन इज कनेक्टेड विद दिस वन. राइट. अब कौन सी मिनटम बची. अब हमारे पास मिनटम बचती है ये वन. अब आपके पास ऑप्शन है इस वन को आइदर यू विल कनेक्ट विद दिस वन ये यूज टर्म है या यू विल कनेक्ट विद दिस यूज टर्म. आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं. चाहे आप इसे पेयर कर दीजिए या आप इसे पेयर कर दीजिए क्योंकि दोनों में ही हमारा पेयर ही बन रहा है. कोई ऐसा नहीं है कि एक दो का बन रहा हो एक चार का बन रहा हो. अदरवाइज मैं मेजोरिटी प्रेफरेंस पे देता लेकिन अभी यहां पे दोनों ही एक ही सेम मेजोरिटी पे हैं. दोनों ही पेयर बनाएंगे तो आप किसी भी वैल्यू को चूज कर सकते हैं. राइट. और उसके बाद आपका बचेगा ये लास्ट वन. तो इस लास्ट वन को किसके साथ क्लब करूंगा. जी हाँ ये वन इसके साथ ही क्लब होने वाला है. राइट. सो दीज आर द थ्री पेयर्स जो हमने अलग से इस गेम ऐप में बनाए. सिमिलरली आप इस सेकंड गेम ऐप की पेयरिंग देख सकते हैं. यहां पे ये वन अवेलेबल है दिस विल बी कंबाइंड विद दिस वन और ये वन अवेलेबल है. इसकी कोई पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि इसके साथ कोई वन अटैच नहीं हो सकता. दैट मींस ये मेरा सिंगल ही रहने वाला है. राइट. दिस इज सिंगल अलोन. अब मैंने एक्सप्रेशन बताए थे. एक्सप्रेशन आप लिखना सीख चुके हो. सो नाउ यू कैन ट्राई योर सेल्फ द एक्सप्रेशन और आप अपने इस लिखे हुए एक्सप्रेशन को इस आंसर से मैच करा सकते हैं कि आप इन सभी पेयर्स के आंसर तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे. राइट. सो विद दिस आई कैन से योर फाइव वेरिएबल के मैप इज कंप्लीटेड. नाउ अब आपका बचा है सिक्स वेरिएबल के मैप जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो बने रहिए मेरे साथ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.